गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज जो साउथ कोरिया जाना चाहते हैं एंड जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो PhD की एजुकेशन है वो कोरिया में कैसे होती है, कैसे होती है। सो PhD की जो एजुकेशन होती है वो कोरिया में कैसी होती है। सो जी इसका आंसर ये है कि मैंने तो नहीं की PhD, बट उसके बावजूद भी आई विल गिव यू आंसर्स विथ माई एक्सपीरियंस के मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने PhD की एंड आई हैव सीन देम डूइंग PhD। सो जो PhD होती है उस पर मतलब मोस्टली मैक्सिमम 4 ईयर्स होते हैं एजुकेशन का टाइम पीरियड होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो 3 ईयर्स में भी कंप्लीट कर देते हैं एंड सम पीपल आल्सो डू 3.5 ईयर। बट कुछ ऐसे भी बेचारे लोग होते हैं जिनको 5 साल और 6 साल भी लग जाते हैं। बट PhD कोरिया का इतना टफ नहीं होता। उस पर क्या होता है, आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। अपना जो कोर्स वर्क एजुकेशन होता है वो इतना हैवी नहीं होता, टीचर्स आपको पढ़ाते करते हैं और 4 साल में 2 साल के बाद आप वो एग्ज़ाम देते हो एंड डैट एग्जाम्स इज़ 3 आवर्स एग्ज़ाम। और आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं खुद ही, वो टीचर्स आपको खुद ही बता देते हैं कौन सा क्या क्या स्टडी करना है। सो कोर्स वर्क का कोई टेंशन नहीं होता। बाकी दूसरा ये होता है कि रिसर्च वर्क सो जो PhD वालों के लिए बहुत ही मतलब क्या बोलूँ टेंशन वाला टाइम होता है उनका रिसर्च वर्क और काम, क्योंकि कुछ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क मांगते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के, और खुश नसीब जो लोग होते हैं उनका जल्दी मतलब हो जाता है। बट बहुत लोगों को स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ता है। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो कोरिया में PhD लोग करते हैं वो रात को 10-11 बजे तक लैब में बैठ के काम करते हैं एंड सैटरडे और संडे को भी वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, क्योंकि उनका काम डिफ़िकल्ट मतलब बहुत टाइम लगता है। ऑफकोर्स आप रिसर्च करते हो, आपको खुद की कोई चीज़ लिखनी होती है क्या ये वो, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो PhD वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि और वो पेपर काम भी आते हैं उन लोगों को। सो या रिसर्च वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और दूसरा ये होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश नसीब मतलब उनकी PhD निकल जाती है एंड कुछ लोग फंस जाते हैं, बट दे वर्क वेरी हार्ड। और किन के प्रोफेसर कोऑपरेटिव होते हैं, किन के नहीं होते हैं, ऐसे ही मैंने देखा है लोग PhD करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको PhD बहुत ईजी और सिंपल लगती है कोरिया में ही, क्योंकि उनके अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं और उनको सिर्फ एक पेपर लिखना होता है, एक पेपर लिखो और आपका मतलब PhD ख़त्म हो गई। सो ऐसे भी लोग मैंने देखे। सो इट ऑल डिपेंड्स आपको कौन सा प्रोफेसर मिलता है क्या ये वो एंड आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है किसका एक्सपीरियंस, और मोस्टली हर लोगों का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है PhD का। सो ऐसे होती है PhD वालों की लाइफ साउथ कोरिया में। एंड या If you want to do PhD from South Korea, आप कर सकते हो। आपको लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती है, इंग्लिश में होता है सब, सारी स्टडीज एजुकेशन वगैरह कुछ भी। आपको जस्ट मेहनत करनी पड़ती है अपने काम में और वो काम आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। सो ऐसी होती है कोरिया PhD, और इट्स नॉट मतलब इतना आई डोंट नो नॉट डिफिकल्ट, बट किन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी। सो ऐसी होती है PhD कोरिया में। एंड आउटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं, लोग घूमते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, बट या कुछ लोग बेचारे सैड भी होते हैं। सो ये तो ऑल इट ऑल डिपेंड्स एवरी वन पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉरेन कंट्री में रहना इज नॉट डैट ईजी, यू हैव टू मतलब लिव अलोन, वर्क हार्ड, एंड अच्छे साइड्स भी हैं, बुरे साइड्स भी हैं। इंजॉय भी लोग बहुत करते हैं, फन भी बहुत करते हैं, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। सो टू वेज होते हैं एंड आप इंजॉय भी करते हो, स्टडीज़ भी करते हो, यू डू टू थिंग्स टुगेदर। और सिंगल लोग भी PhD करते हैं, जो बेचारे मैरिड होते हैं वो भी PhD करते हैं, उनके लिए तो मतलब 2-3 दिन काम हो जाते हैं। सो इट ऑल गोज लाइक दैट एंड डोंट वरी, इट्स इफ बहुत सारे लोग कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट।
and go for education in Korea. You will enjoy. Also, you can study and work in a very good environment. It all depends on your luck. So don't forget to subscribe my channel, and I hope you like this video. And if you have questions, comments below, I will try to answer. Till then, take care of yourself.